अपने को बंदों को रियल इन्फॉर्मेशन देनी कि रियल चीज़ क्या होती है। ठीक है, अपने को ऐसा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, तेरे को बस जो 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 तेरे साथ हुआ है जैसे तू यहाँ पे आया है वो बताना है पब्लिक को, ताकि बच्चे यहाँ पर अंधेरे में नहीं आए कि भाई चकाचौंध कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है। नहीं, अपने को सच बताना है, व्यूज आए नहीं आए लेकिन अपने को सच बताना है। सच ही विदेते सच ही विजेते। विजेते हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई होप एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आई एम सूरज एंड यू आर वाचिंग द जाट साहब ब्लॉग। हमारे साथ गेस्ट हैं हमारे दिशांत मेहता, जो कि बैचलर्स कर रहे हैं यहाँ से। यस, आई एम डूइंग बैचलर इन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस यूरोप। दे हैव थ्री कैंपसेस, वन इन बर्लिन, वन इन हैमबर्ग, वन इन आइजरलैंड। आई एम डूइंग डिजिटल बिजनेस एंड डेटा साइंस। यहाँ पे मुझे आए हुए हो गया 1.5 ईयर, एंड मैंने एक सेमेस्टर इंडिया में किया था क्योंकि कोविड के चक्कर में देर वॉज नो फ्लाइट एंड ऑल द क्लासेज वर ऑनलाइन। सो एक सेमेस्टर मैंने इंडिया में किया, उसके बाद मैं यहाँ पे आया। तो अगर आपको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, सो वन एडवाइस फॉर यू गाइस, डोंट थिंक दे विल टीच यू फ्रॉम द बेसिक्स। ओके, यू हैव टू नो सम नॉलेज अबाउट इट, और तुम्हें थोड़ा पढ़ाई करनी होगी। एक महीना पहले थोड़ा देख लेना क्या होता है पाइथन, क्या होता है, क्या कंटेंट है तुम्हारे पढ़ाई का, क्योंकि डेटा साइंस इज़ रियली लार्ज फील्ड, यू नो, और उसमें बहुत चीज़ें होती है। जैसे आपको कौन सी, आपको मशीन लर्निंग में जाना है, आपको डेटा एनालिटिक्स में जाना है, क्या आपको एडवांस प्रोग्रामिंग में जाना है, क्या आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज में जाना है, एंड देयर इज मेनी मोर फील्ड्स इन दैट। ये तो तूने मोटा मोटा बता दिया कि भाई ऐसा होता है, तूने एक सेमेस्टर वहाँ किया, लेकिन अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग जर्नी की स्टार्ट से, कि सबसे पहले यू डिड योर 12th क्लास। यस, वहाँ से 12th क्लास की, फिर व्हाट व्हाट वाज इन योर माइंड कि तुझे जर्मनी जाना ही है भाई, कि या फिर तू रिसर्च करता था कि मुझे जर्मनी जाना है, आई हैव टू सेलेक्ट, आई हैव टू शॉर्टलिस्ट एन यूनिवर्सिटी और उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा, डेटा साइंस में जाऊँगा। तो वो पूरी ना मुझे जर्नी, मुझे भी लाइक इवन आई नो यू पर्सनली, बट मुझे भी ये जानना है कि स्टार्ट कैसे किया वहाँ से, तेरे क्या परसेंटेज थे और इतने परसेंटेज पे बच्चे यहाँ आ सकते हैं नहीं आ सकते, बिकॉज यू आर परस्यूइंग योर बैचलर्स, राइट? यस, बैचलर्स। तो 12th के बाद जो बच्चे जो ऐसा सोचते हैं कि भाई जर्मन नहीं आती तो मैं नहीं आ सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं 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 मतलब ऐसा पॉसिबल है कि आपको जर्मन अगर नहीं आती तो आप तब भी यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत इजीली आ सकते हैं। तो मेरे को सबसे पहले भाई ये बता कि 12th के बाद क्या किया? तो 12th के बाद आई वॉज लॉस्ट, क्योंकि मुझे इंडिया में कॉलेज नहीं करना था। मुझे पता है उनकी कट ऑफ ड्यू कॉलेज की 98, 99, 97, दैट इज आउट ऑफ माई लीग। सो आई गॉट 72% इन माई 12th। आई वॉज अ कॉमर्स विदाउट मैथ्स स्टूडेंट, ओके ओके, सो आई डोंट इवन हैव साइंस एंड मैथ्स इन माई 12th। सो डोंट थिंक अगर तुम्हें डेटा साइंस करना है तुम्हारे पास साइंस होनी चाहिए, तुम्हारे पास मैथ्स होनी चाहिए, तुम्हारे पास ये होना चाहिए, बट यू नीड अ बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ओके, प्रोबेबिलिटी एंड ऑल दोज थिंग्स। सो 12th के बाद मैं पहले सोच रहा था कि मैं कैनेडा चले जाऊँ, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और अपने लोग होंगे, सब अपना होगा, और मैं एक बार कैनेडा घूमने भी गया हूँ। पर फिर ऐसे बहुत डिसीजन चेंज होते गए मेरे, और ऐसे मेरे 8 महीने वेस्ट हो गए मेरी लाइफ में। उसके बाद मैं ऐसे जर्मनी के बारे में रिसर्च करने लग गया कि वहाँ पे बहुत स्कोप है, तुम्हें लैंग्वेज आनी चाहिए, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब अच्छी मिलती है, एंड ये सब ब्ला 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 ब्ला। सो देन आई स्टार्ट लर्निंग जर्मन अ बिट, आई स्टार्ट जॉइनिंग लैंग्वेज पाइथन, इट्स रियली फेमस इन इंडिया, अगर किसी ने सुना हो तो। तो मैंने वहाँ से पहले A1 किया, फिर मैंने A2 लेवल नहीं किया, फिर मैंने सीधा B1 लेवल कर दिया। ठीक अच्छा। है, बट मैंने A2 लेवल की पढ़ाई करी, उसका एग्जाम नहीं दिया, पर okay. मैंने सीधा B1 की पढ़ाई करके उसका एग्जाम दे दिया। अच्छा। उसके बाद मैंने अपने IELTS दिए, वेयर आई गॉट 6.5 ओवरऑल इन माय IELTS। सो इट वॉज गुड, क्योंकि जर्मनी में आपको IELTS की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम होगी 6, उससे ऊपर आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग है। और मेरा कोर्स जो अभी मैं कर रहा हूँ, इट्स ऑल इंग्लिश स्पीकिंग, सो डोंट वरी कि आपको जर्मन सीखनी होगी और टीचर इंग्लिश बोलते हैं कि जर्मन नहीं बोलते, एवरीवन स्पीक इंग्लिश
एंड हर चीज इंग्लिश में है सो डोंट वरी जर्मन इज अ बेनिफिट फॉर यू इफ यू कम एंड नो जर्मन इट्स गुड फॉर यू टू हैव अ जॉब आफ्टर योर कंप्लीटिंग योर स्टडीज मतलब आपने क्या किया 12th के बाद जर्मन क्लासेस ज्वाइन कर लिया बट यहाँ जो एजुकेशन है वो 13 इयर्स का मांगते हैं बैचलर में एडमिशन करने के लिए भी आपने 12th तक कर लिया लेकिन 12th के बाद भी आपको एक साल की और पढ़ाई उसके बाद मैंने एक साल का पाइथन का कोर्स किया मेरे एरिया में ही एक था उससे मैंने एक साल पाइथन का कोर्स किया एंड देन एक साल मैंने जर्मन का कोर्स किया सो वो मेरे दो साल इधर चले गए आफ्टर 12th एंड देन मैंने अपने कॉलेजेस कंसल्टेंट से अप्लाई किए बहुत सारे कॉलेजेस बहुत एग्रीडेशन देखे कॉलेजेस के कि क्या है जॉब प्रोफेशन कि जॉब लगा के देंगे कॉलेज वाले के नहीं देंगे कैंपसेस कैसा है कैंपस छोटा है बड़ा है फीस कैसी है देखो बहुत कॉलेजेस है प्राइवेट भी है पब्लिक भी है मैं पब्लिक में नहीं कर सकता था क्योंकि बैचलर्स में पब्लिक में बहुत कम कोर्सेज है हाँ और अगर आपको बैचलर्स करनी है तो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में करनी है तो आपको बी टू लेवल मस्ट है उसके बिना आपको बैचलर में एडमिशन नहीं मिलेगी और अगर आपके 12th में मोर देन 90% है और आपका जर्मन लेवल B2 है देन आप बैचलर्स पब्लिक यूनिवर्सिटी से कर सकते हो और भी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं नॉलेज यू कैन गो एंड सर्च इट बट कहाँ तक मुझे नॉलेज है उसके बाद डिप्लोमा किया एक साल का मैंने पाइथन में डिप्लोमा किया देन एक साल का मैंने B1 लेवल तक कंप्लीट करने में लगा ठीक है तो देन आफ्टर दैट मैंने उनको दिखाया कि मेरे 13 ईयर एजुकेशन है आफ्टर 12th मैंने एक साल डिप्लोमा किया तो उन्होंने तब मुझे जाके एक्सेप्ट किया तो ये यूनिवर्सिटी वालों को आपने ईमेल किया था कि सर देखिए 12th तक मैंने ये कर लिया एक साल का डिप्लोमा कर लिया एंड आई हैव B1 प्रोफिशिएंसी इन जर्मन लैंग्वेज यस तो सो उसके बाद उनको मैंने अपना डिप्लोमा जो मैंने किया मुझे उसका सर्टिफिकेट मिला था इस टाइम तक मैंने डिप्लोमा किया इस टाइम तक मैंने B1 लेवल किया उसके बाद मैंने उनको सब अपने डॉक्यूमेंट सेंड करे उनके बाद उन्होंने मेरा से एक टेस्ट लिया मेरा द टेस्ट इज फॉर जनरल नॉलेज ओके एंड सम स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस एंड अ बिट ऑफ मैथमेटिक्स जो 10th में पढ़ाते हैं 9th में पढ़ाते हैं और आपकी इंग्लिश चेक करने के लिए कि आपकी इंग्लिश कैसी है और मैं इसे एक फेस टू फेस इंटरव्यू किया था जिसमें मेरे से उन्होंने नॉर्मल इंट्रोडक्शन पूछी थी जर्मन में और इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट वो भी नेसेसिटी नहीं थी पर उन्होंने कहा अगर तुम्हें आते तो तुम बोल के दिखाओ तो मैंने बोल दिया तो एंड देन दे गिव मी अ स्कॉलरशिप बिकॉज मैंने उनको जर्मन में बात करी तो दे गिव मी अ स्कॉलरशिप फॉर 15% ऑल ओवर ईयर सो या राइट नाउ इज गोइंग गुड होप फॉर द बेस्ट एंड Yes, data science is really good course and all over world is raising all the time. They need more employees in data science, data analytics, machine learning, advanced programming, artificial intelligence and there are many more people. सही है यार मतलब अगर कोई बंदा बारहवीं का बंदा है उसको अगर डायरेक्ट आना है फीस कितनी है पर सेमेस्टर मेरी पर सेमेस्टर फीस है 4,000 टू 5,000 के बीच में अच्छा इसमें मेरी स्टूडेंट टिकट भी इंक्लूड होती है इसमें आपको 6 months स्टूडेंट टिकट मिलती है आप ट्रेन बसेज यूबान कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हो फ्री में दैट्स ऑल आल्सो इंक्लूडेड एंड यस दिस इज ऑल इट इज तो भाई अगर बंदा आना चाहे तो यार 4,000 यूरो 6 महीने के आप इजीली बंदा यहाँ कमा सकता है आप महीने में यहाँ पे 1,000 यूरो कमाते हो पार्ट टाइम मतलब अगर आप हाँ 20 घंटे करते हो तो 1,000 यूरो कमा सकते हो तो मेरे हिसाब से सही है अगर मतलब जो मास्टर्स के लिए डायरेक्ट आते हैं वो भाई आके भी ये सोचते हैं कि यार बैचलर्स में आ जाए तो दिशांत भाई अपने बैचलर्स में आ रहे हैं क्योंकि सही है तो बैचलर में तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा सोचने के लिए कि मास्टर्स के बाद तुम्हें क्या होता है नौकरी चाहिए और जॉब वीजा खत्म हो रहा है बैचलर्स अगर तुम्हें जॉब भी नहीं मिलती तो मास्टर्स में पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो अगर तुमने यहाँ से बैचलर जर्मनी में किया है तुम सीधा पब्लिक में अप्लाई कर सकते हो फ्री ट्यूशन फी जीरो फिर आपको कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपने अपनी बैचलर जर्मनी से की है तो मेरा यही प्लान है मैं जॉब अप्लाई करूंगा मेरा कॉलेज दिस इज माय थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर एंड नेक्स्ट सेमेस्टर इज माय इंटर्नशिप आफ्टर दैट मैं जॉब अप्लाई करूंगा मिलती है तो वेल एंड गुड नहीं मिलती तो मैं मास्टर्स के लिए जाऊंगा जो मेरी फ्री है और 2 साल की मास्टर्स होती है यहाँ पे एंड दो साल फ्री होगी मेरी मैं काम करके पैसे सेव कर सकता हूँ जो भी मैंने अपनी बैचलर्स में पैसे दिए कॉलेज में वो मेरे पास वापस आ सकते हैं अच्छा
तो भाई ऐसा है कि जो जो भी बंदे हैं कि भाई यार परसेंटेज थोड़े मैं एवरेज बच्चा हूँ, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा मतलब अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, जर्मन सीखो थोड़ी बहुत, और जर्मन सीखने के बाद आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। पब्लिक में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा नहीं मतलब पब्लिक में इतना इजीली एडमिशन होता नहीं, नहीं होता, कोर्सेज भी बहुत सारे नहीं होते, कोर्सेज भी बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते। तो व्हाट वी विल सजेस्ट इज कि यहाँ पर अगर आना है तो बैचलर्स पेड में आओ, आप थोड़ा बहुत पैसे दे दो और पैसे मैनेज हो जाते हैं। इफ यू वर्क पार्ट टाइम 20 आवर्स इन अ वीक, मतलब 80 घंटे अगर पूरे महीने में काम कर दो तो बहुत इजीली पैसे मैनेज हो जाते हैं। और बड़ी सिटी में अगर आप जाते हो तो बेस्ट ऑप्शन है 12th के बाद यहाँ आने के लिए, लाइक हैमबर्ग, बर्लिन। जॉब की टेंशन नहीं लेना, वहाँ पे बतेरी जॉब है, इतनी जॉब आप सोच भी नहीं सकते, पर आप काम करने वाले हो तो आपको काम मिल जाएगा, बस मेहनत। और दूसरी चीज, अगर आप सोच रहे हो कि भाई आपको पाइथन में बिल्कुल भी नहीं आता, कोडिंग है आपके दिमाग में बैठा हुआ है, बहुत कम मैथ्स होगी, बहुत स्टैटिस्टिक्स होगी, कोडिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज गाइस डोंट थिंक लाइक दैट, इट्स रियली इजी, बट यू नीड प्रैक्टिस and concentrate at least 1 hour a daily will really good for you and your study. So जो भी डेटा साइंस, जो भी डेटा बिजनेस एंड डेटा साइंस करना चाहते हैं, आपके पास आपके 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, आपने कभी नहीं पढ़ा, डोंट वरी, कुछ नहीं होता, यहाँ पर आपको सब स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, पर थोड़ी नॉलेज हो तो वेरी गुड, और आपको की प्रॉब्लम ना हो कि क्या हो रहा है, आपका दिमाग घूम रहा है, पर यस इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। चिल यार, हवा बना रखा है लोगों ने, कुछ नहीं है, हवा है, हमें भी इतना अच्छा नहीं आता, पर बट वी आर लर्निंग, सो वी डोंट वांट टू डिमोटिवेट एनीवन, कि हम लोग वही बोल रहे हैं कि एग्जैक्ट चीज क्या होती है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल से भाई, कि तू आया, थैंक यू भाई, जान रहे यू, आपका ब्लॉग अच्छा गया, और मेरी जो नॉलेज है लोगों को काश जाए, एंड जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो, मेरे से पूछ लो, मैं भाई का इंस्टा लिंक डाल दूंगा, सब्सक्राइब हिम प्लीज, वो तो अगर आपको अच्छा लगे, इफ यू लाइक माय कंटेंट तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, दिस इज ऑल टू नॉलेज, नो वी आर नॉट telling you that we want subscribe or like or something, it's good for you, hawa mein baat nahi, upar nahi ki tum aisa aa jaoge, aisa ho jayega, aisa nahi, real one, and exams mein bhi tumhe padhna padega, projects denge, tumhe projects pe concentrate karna padega, but teachers are really good and helpful here, exactly. If you don't know anything and if you need some time to prepare your project, they give you the time, it's not like Indian teacher ki tumhe abhi karna hai, abhi dena hai aur abhi dena hai, it's not like that, unse baat karo, unko bolo ki tumhe time chahiye, tumhe samajh nahi aaya, वो तुम्हें 15-20 दिन एक हफ्ते का भी टाइम दे देते हैं तुम्हारे कोर्स को रेडी करने के लिए, सो टेंशन नहीं लेने का, ये इंडिया जैसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है यहाँ पे, सिस्टम तुम्हें 100 लाने, 80 लाने, 90 लाने, तुम्हें इस समय एग्जाम देना है, बहुत प्रेशर है, इट्स नॉट लाइक दैट, प्लीज डोंट थिंक अबाउट दैट। वीडियो काफी लंबी हो गई है, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भी बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगा हो तो भी अच्छी बात है, मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में till then take care, bye bye, ciao, ciao, Deutsch, ciao, soll aber noch einander.